पर अभी ये संज्ञा समाप्त नहीं हुई है। अब हम जानेंगे नाउन और केस क्या है। केस क्या है, एक वाक्य देखिए, जॉन थ्रू ए स्टोन, जॉन ने एक स्टोन फेंका, थ्रो से बना थ्रू, थ्रो थ्रू थ्रोन, थ्रो मैंने फेंकना, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो, राइट, थ्रो द बॉल, फेंकना, जॉन थ्रू ए स्टोन, हॉर्स किक्ड द बॉय, हॉर्स किक्ड द बॉय, जॉन जो है वो क्या है इसमें, जॉन थ्रू, किसने फेंका, जॉन ने फेंका, तो कर्ता कौन है, काम कौन कर रहा है, काम करने वाला कहलाता है कर्ता, काम करने वाला कहलाता है कर्ता। इस वाक्य में काम किसने किया, जॉन थ्रू द स्टोन में, फेंकने का काम कौन कर रहा है, जॉन, तो जॉन हुआ कर्ता। कर्ता को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट, क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। किसने पत्थर फेंका, तो उत्तर है जॉन ने। तो और बाकी जो है थ्रू ए स्टोन, ये जो पूरा जो है वो कहलाता है प्रेडिकेट, यानी विधेय, हिंदी में उसे कहते हैं विधेय, लेकिन यहाँ अंग्रेजी में हमको जानना है उसे कहते हैं प्रेडिकेट। दूसरे शब्दों में एक वाक्य में सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है, एक कर्ता होता है और एक विधेय होता है। विधेय का मतलब क्या हुआ, जो कार्य हुआ वो, और जिसने कार्य किया वो कर्ता कहलाता है कर्ता, यानी सब्जेक्ट। किसी वाक्य में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होना जरूरी है और एक विधेय होना, प्रेडिकेट होना जरूरी है। उसका उच्चारण देख लीजिए, स्पेलिंग देख लीजिए, प्रेडिकेट। अब देखिए जॉन ने क्या फेंका, पत्थर, पत्थर फेंका, तो पत्थर क्या हो गया, क्या फेंका, पत्थर हो गया ऑब्जेक्ट, पत्थर हो गया ऑब्जेक्ट, वस्तु, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, वह कर्म हो गया, संज्ञा कर्म। एक तो हो गई संज्ञा कर्ता, संज्ञा दोनों है संज्ञा, जॉन भी संज्ञा है, स्टोन भी संज्ञा है, पर जॉन जो है वो कर्ता संज्ञा है, जो कार्य कर रहा है, कार्य करने वाला है, सब्जेक्ट कहलाता है उसको अंग्रेजी में, और जो काम हुआ वो कहलाता है कर्म। क्या काम हुआ, फेंकना, तो फेंकना हुआ कर्म। तो देखिए तीन शब्द हमने सीखे, एक हमने सीखे संज्ञाकर्ता यानी सब्जेक्ट जो यहाँ जॉन है, दूसरा हमने सीखा संज्ञा कर्म जो कार्य हुआ, कौन सा कार्य हुआ, फेंकने का, थ्रू, और तीसरा शब्द हुआ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट मतलब मैंने क्या बताया आपको, विधेय, यानी सब सब्जेक्ट को आप छोड़ दें तो बाकी कहलाता है विधेय। वाक्य दो में आप देखो हॉर्स, जिसमें कर्ता कौन सा है, द हॉर्स किक द बॉय, किसने मारा, घोड़े ने मारा, तो घोड़ा हो गया कर्ता, संज्ञा है घोड़ा, और क्या संज्ञा है इसमें, द हॉर्स किक द बॉय में संज्ञा और क्या है, बॉय भी संज्ञा है, कलेक्टिव नाउन है, तो बॉय हो गया कर्म, हॉर्स किक द बॉय, बॉय हो गया कर्म, और कर्म को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मैंने बताया आपको कर्म को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑब्जेक्ट, राइट। सो एक वाक्य में सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। यहीं पर हम इसके बल पर हम केस पढ़ते हैं, नाउन एंड केस। तो केस को आगे समझने के लिए अच्छी तरह जान लीजिए संज्ञा कर्ता, संज्ञा कर्म और प्रेडिकेट, राइट, इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। जब कोई नाउन सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है तो वो नॉमिनेटिव केस हो जाता है, नाउन, नाउन जब सब्जेक्ट के रूप में होता है तो नॉमिनेटिव केस, यानी जब हमने पढ़ा जॉन ने फेंका तो जॉन क्या हो गया, नॉमिनेटिव केस। जब कोई कर्ता या जब कोई संज्ञा कर्म के रूप में होता है तो वो एक्यूजेटिव हो जाता है या ऑब्जेक्टिव हो जाता है, कर्म के रूप में ऑब्जेक्ट से बन गया ऑब्जेक्टिव, या उसे हम एक्यूजेटिव भी कहते हैं।
तो नॉमिनेटिव केस और एक्यूजेटिव केस, वाक्य में ये देखना होगा कि ये जो केस है वो नॉमिनेटिव है कि एक्यूजेटिव है। नॉमिनेटिव केस को यदि जानना है तो हम हु लगा दें या व्हाट लगा दें, कौन या क्या, तो हो जाएगा नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस में हम क्या लगा दें, हु या व्हाट, सवाल पूछ लें तो उत्तर आ जाता है। जो उत्तर है वही क्या कहलाएगा, नॉमिनेटिव केस। और ऑब्जेक्टिव केस जानने के लिए हम हुम लगा दें, हु थ्रू स्टोन ऑन हुम, हु थ्रू स्टोन ऑन हुम, हु किक्ड हुम। देखिए एक वाक्य, हु किक्ड हुम, तो हु का उत्तर क्या हुआ, हॉर्स, तो हॉर्स नॉमिनेटिव हो गया। और हुम मतलब किसको, हुम यानी किसको, किसको मारा, बॉय को, तो बॉय क्या हो गया, एक्यूजेटिव हो गया, राइट। तो आपने जल्दी से समझ लिया कि नॉमिनेटिव केस और एक्यूजेटिव केस क्या है। अब देखिए एक और चीज़ जान लो, जानने के लिए तो अभी कई चीज़ें हैं, पर इस केस के संबंध में अगली चीज़ जो आपको जानना है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाली संज्ञा ऑब्जेक्टिव केस होती है। द बुक इज इन द डेस्क, डेस्क ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस में है, क्योंकि प्रीपोजिशन से नियंत्रित है। कौन सा प्रीपोजिशन, इन, द बुक इज इन द केस, इन क्या है, प्रीपोजिशन। ये सारे शब्द हम आगे और सीखेंगे। जब हम टाइप्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं, शब्द भेद की बात करते हैं, तो आठ ढंग के शब्द भेद हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, आठ हैं। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे, पर इसका अर्थ ये नहीं कि आगे जो पढ़ेंगे जब तक उसको ना पढ़ लें तब तक उसको उपयोग ना कर पाएं, उसके बिना ऐसा संभव नहीं हो पाएगा आप अध्ययन कर पाएं। इसलिए थोड़ा थोड़ा दिमाग में समझते जाइए, प्रीपोजिशन इन, प्रीपोजिशन है में, तो प्रीपोजिशन के जो बाद आता है वो क्या हो जाता है, एक्यूजेटिव। हरी ब्रोक द विंडो, हरी ब्रोक द विंडो, यहां देखिए क्या तोड़ा, विंडो, किसने तोड़ा, हरी, द विंडो वॉज ब्रोकन, ये हो गया सब्जेक्ट, विंडो क्या हो गया, सब्जेक्ट, द विंडो वॉज ब्रोकन। अब ये विंडो पहले वाक्य में ऑब्जेक्ट था और दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट था, ऐसा क्यों हुआ, ये वही नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का उदाहरण है। वाक्य बनाने की शैली से वही शब्द एक वाक्य में नॉमिनेटिव केस है और एक वाक्य में ऑब्जेक्टिव केस है। हरी ब्रोक द विंडो, द विंडो वॉज ब्रोकन बाय हरी, पर यहां पे विंडो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, जो ऊपर के वाक्य में क्या था, ऑब्जेक्ट। तो हम ये देख सकते हैं कि संज्ञाओं का जो रूप है वो नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव, यानी कर्ता कारक और कर्म कारक दोनों में समान होता है। दोनों जगह विंडो हमने यूज किया, दोनों ही जगह, एक जगह वो कर्ता कारक है नॉमिनेटिव है, एक जगह वो कर्म कारक है एक्यूजेटिव है, लेकिन दोनों का रूप एक ही है, राइट। अब देखिए, तो इतना समझने के बाद नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, हम थोड़ा सा तुलना करें, थोड़ा देखिए क्या है। राम गेव ए बॉल, राम ने क्या दिया, एक बॉल दिया, राम गेव ए बॉल। अब अगला वाक्य क्या है, राम गेव हरी ए बॉल। पहले वाक्य में नाउन कौन कौन से हैं, एक तो राम है और दूसरा बॉल है। राम व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, पर्सनल नाउन, और बॉल कलेक्टिव नाउन। दूसरे वाक्य में देखिए, राम गेव हरी ए बॉल, इसमें कितने नाउन हैं, तीन नाउन हो गए, राम भी है, हरी भी है,
बॉल भी हो, तो तीन नाउन हो गए। इन दोनों वाक्यों में बॉल जो क्रिया है वो गेव का ऑब्जेक्ट है। राम गेव ए बॉल, क्या दिया? बॉल दिया, व्हाट? बॉल। और दूसरे में राम गेव हरि व्हाट? ए बॉल, हरि को दिया है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों में गेव का ऑब्जेक्ट है क्या? बॉल। दोनों में गेव का ऑब्जेक्ट है। गेव क्या है? गिव का पास्ट टेंस, यानी क्रिया है, गिव की क्रिया है। उसका जो ऑब्जेक्ट है, उसका जो कर्म है वो क्या है? बॉल। एक में डायरेक्टली बोला गया है, एक में इनडायरेक्टली बोला गया है। तो गेव का जहाँ इनडायरेक्ट है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। बस आपको इतना याद रखना। डू नॉट गो, यू नीड नॉट गो बियॉन्ड दिस इन दिस मैटर, बट ऑल यू शुड नो इज दैट नॉमिनेटिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस, एंड देन यू हैव ए कंपेरिजन। राम गेव ए बॉल एंड राम गेव हरि ए बॉल, इन बोथ फॉर गेव, फॉर द वर्ड गेव, हु इज द ऑब्जेक्ट और वॉट इज द ऑब्जेक्ट? बॉल। बट हरि जो क्रिया गेव का जो यहाँ पे है वो अप्रत्यक्ष कर्म यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या था? बॉल। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया? हरि। राइट। देखिए नॉमिनेटिव एक्यूजेटिव को बेहतर समझने के लिए जस्ट कुछ और उदाहरण मैं दे देता हूँ, बाकी आप समझ गए होंगे ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। वेरी सिंपल एग्जाम्पल। राम गेव हरि ए बॉल, आई हैव डन दैट। राम गेव ए बॉल टू हरि। अब इसमें देखिए क्या अंतर हुआ। वही जो मैंने आपको पहले समझाया है, बोलने की शैली। राम गेव हरि ए बॉल एंड राम गेव ए बॉल टू हरि। एक और देख लें। आई बॉट रामा ए बॉल। राइट। आई बॉट ए बॉल फॉर रामा। अर्थ एक ही है, बोलने की शैली। कहीं पर वो एक्यूजेटिव होता है, कहीं पर वो नॉमिनेटिव होता है, और इस प्रकार हम बोलने की शैली बस बदलते हैं, भाव नहीं। लास्ट सेंटेंस, गेट मी ए टैक्सी। मेरे लिए एक टैक्सी लाओ। उसको दूसरे तरीके से और कैसे बोलते हैं नॉमिनेटिव को एक्यूजेटिव और रिवाइज वर्सा करते हुए? तो गेट मी ए टैक्सी को हम बोलेंगे गेट ए टैक्सी फॉर मी। मेरे लिए एक टैक्सी लाओ। फॉर मैंने के लिए, तो गेट मी ए टैक्सी और गेट ए टैक्सी फॉर मी। जस्ट इट्स ए चेंज ऑफ केस, नथिंग एल्स। राइट। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एंड दैट इज, लेट्स सी वन एग्जाम्पल। दिस इज राम्स अम्ब्रेला। अम्ब्रेला मतलब छाता, छतरी को अम्ब्रेला बोलते हैं। दिस इज राम्स अम्ब्रेला। अब देखिए राम के बाद एपोस्ट्रॉफी लगा है और एस है, मतलब क्या हुआ? जब नाम के आगे, किसी व्यक्तिगत संज्ञा के आगे एपोस्ट्रॉफी एस लगता है तो एपोस्ट्रॉफी का मतलब होता है का या के या की। राम का छाता, सीता की साड़ी, मोहन उन लोगों के कपड़े। तो का के की कब? जब नाउन के आगे एपोस्ट्रॉफी लगे तब, और एस हो। राइट। नाउन, पर्सनल नाउन, कलेक्टिव नाउन के आगे जब एपोस्ट्रॉफी के साथ एस हो तो का के की। राम्स अम्ब्रेला, अम्ब्रेला बिलोंगिंग टू राम, यानी राम का अम्ब्रेला बिलोंगिंग टू राम। अब जो समझने की चीज़ है वो है ओनरशिप। ओनरशिप मतलब मालिकाना हक। ओनरशिप मतलब क्या हुआ? मालिकाना हक। इस मकान की ओनरशिप मेरे पास है, तो ओनरशिप को समझ लीजिए। या ये मकान मेरा है, मेरा है, मेरे पोजीशन में है, मेरे नियंत्रण में है, मेरे पास इसका मालिकाना हक है। तो यदि मैं बोल रहा हूँ दिस इज़ राम्स अम्ब्रेला,
तो ओनरशिप या पोजीशन किसका है? राम का। तो राम को हमने अपोस्ट्रोफ एस लगा के की राम का, राम की, राम के लिए, राइट। ऐसे में क्या होता है, राम संज्ञा पोजेसिव या जेनेटिव केस में है। किस केस में है? पोजेसिव केस में। राम जो संज्ञा है, राम संज्ञा पोजेसिव केस हो गया। पोजेसिव केस मतलब ऐसा केस जिसमें वो ओनरशिप आ रही हो, खुद का हो, पजेस कर रहा हो, उसका मालिकाना हक हो। और इसका बिल्कुल आपको तरीका जानना है यदि पजेसिव केस का। अभी हमने नॉमिनेटिव केस की बात की, ऑब्जेक्टिव केस की बात की, या एक्यूजेटिव केस की बात की। अब एक पजेसिव केस की बात कर रहे हैं। पजेसिव केस में राम का, सीता का, इंडिया का, फुटबॉल का, पर लाइव नाउन, नाउन हो और व्यक्तिगत संज्ञा हो, या ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ एनिमल्स उसका हो, लिविंग का हो। तो इसको जानना है तो सवाल आप पूछ लीजिए। पजेसिव को यदि जानना है, सवाल पूछ लीजिए हूज, यानी किसका, किसका मकान है? मेरा। तो मेरा मतलब पजेसिव केस हो गया। मोहन का, तो पजेसिव केस हो गया। मेरा मतलब ये सर्वनाम में हो गया जो हम आगे पढ़ेंगे, पर नाम लेना है तो राम का। तो राम का मकान है जानने के लिए सवाल क्या होगा, किसका मकान? तो किसका को अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? हूज, WHOSE, हूज। हूज हाउस इज दिस? इसका जो उत्तर होगा वह उत्तर किस में आएगा? पजेसिव केस में। तो नॉमिनेटिव आपने समझ लिया, ऑब्जेक्टिव केस आपने समझ लिया, एक्यूजेटिव और पजेसिव। हूज अम्ब्रेला? राम अम्ब्रेला। पजेसिव केस जो है वो, हाँ, पजेसिव केस अधिकार दिखाता है। राम का उसमें अधिकार है, इस मकान पे मेरा मालिकाना हक है, मेरा अधिकार है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा अधिकार बताए। पजेसिव केस का अर्थ ये नहीं है कि हमेशा अधिकार दिखे, इस बात को आप ख्याल रखेंगे। एक उदाहरण या कुछ उदाहरण देख लें। ए मदर्स लव, एक माँ का प्यार। अब देखिए यहाँ एपोस्ट्रॉफी एस है, ए मदर्स लव, एक माँ का प्यार। यहाँ पे अधिकार वाली बात नहीं है कि प्यार जो होता है वो केवल माँ का ही होता है। दूसरे शब्दों में, माय डियर फ्रेंड, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, इन मोस्ट ऑफ द केसेस पजेसिव केस मीन्स ओनरशिप। पजेसिव केस मतलब अधिकार, पजेसिव केस मतलब पजेस करता है, अपने पास उसका हक है। बट देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स वेयर इट डज नॉट शो द पोजिशन। ऐसे भी उदाहरण है जिसमें पोजिशन जरूरी नहीं है उसका अर्थ अधिकार हो, बल्कि कुछ और अर्थ हो जाता है। जैसे मैंने बताया, ए मदर्स लव, माँ का प्यार, एपोस्ट्रोफियस। शेक्सपियर्स बुक, या हम लिखें मैथिली शरण गुप्त बुक, या हम लिखें कालिदास बुक। अब कालिदास में तो एस है, अब उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगेगा तो क्या होगा? कालिदासस बुक। तो वहाँ पे उसका अधिकार ऐसा नहीं। शेक्सपियर्स प्लेस, प्रेसिडेंट्स स्पीच, राष्ट्रपति का भाषण, उस पर उनका मालिकाना हक का यहाँ इशारा नहीं है। यहाँ पे इसका अर्थ ये मत समझिए कि वो मालिकाना हक या अधिकार की बात कर रहा है, का की बात कर रहा है, राष्ट्रपति का भाषण। सोहंस स्कूल, सोहन एपोस्ट्रोफी एस स्कूल, सोहंस स्कूल मतलब सोहन का स्कूल। तो ये कुछ उदाहरण है पजेसिव केस के। तो वी हैव डन केसेस। अब ये केसेस क्या हैं थोड़ा सा हम जान लें, उसमें से पजेसिव केस को कैसे बनाते हैं। पजेसिव केस बहुत कॉमन है, बहुत उपयोग में आता है। अंग्रेजी भाषा में पजेसिव केस का उपयोग बहुत होता है। आपने बहुत बार देखा होगा अपोस्ट्रोफी एस, तो ये वही उसका उदाहरण है। जैसे बॉयज बुक, किंग्स क्राउन,
फादर्स शूज, पिताजी के जूते, फादर्स शूज, राइट। ऐसे कुछ शब्द हैं जिसका अंत एस से होता है। मैंने अभी जैसे बताया एक एस से शब्द, ऐसे यहाँ पे और उदाहरण दिए हैं। गुडनेस सेक, अब गुडनेस सेक में देखिए एस के बाद अपॉस्ट्रॉफी, कॉन्शंस सेक सी ई के बाद अपॉस्ट्रॉफी, जस्टिस सेक माने क्या होता है सेक, एक हिंदी का सेक की बात नहीं कर रहा हूँ, अंग्रेजी के सेक की बात कर रहा हूँ, के लिए, जस्ट न्याय के लिए, फॉर जस्टिस सेक। अब देखिए यहाँ पे जस्टिस में सी ई के बाद अपॉस्ट्रॉफी है, एस गायब है। कॉन्शंस मतलब, कॉन्शंस मतलब क्या होता है, कॉन्शंस मतलब होता है दिल की आवाज। फॉर कॉन्शंस सेक, गुडनेस सेक अच्छाई के खातिर, खातिर सेक मतलब होता है खातिर के लिए, जो न्याय की खातिर। तो मैं ये चार उदाहरण दे रहा हूँ, चारों उदाहरणों में जो शब्द है वो स से समाप्त होता है, सिस्कार शब्द इसको हम कहेंगे, यानी हिसिंग साउंड आएगा। जस्टिस, गुडनेस, कॉन्शंस, जीजस, तो जहाँ पे सिस्कार शब्द है स आता है वहाँ पे आपको एस लगाने की जरूरत नहीं, केवल अपॉस्ट्रॉफी लगा दीजिए का के की को लाने के लिए, पजेसिव बनाने के लिए, राइट। अब हम अगला आते हैं, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, पजेसिव केस बनाने के कुछ नियम। पहला नियम क्या सीखा आपने, स से समाप्त होने वाली संज्ञाओं में केवल अपॉस्ट्रॉफी लगा दो, अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं लगाना है, केवल अपॉस्ट्रॉफी लगा देने से स्पष्ट हो जाएगा कि ये पजेसिव केस बना रहे, राइट। दूसरा नियम क्या था, यदि बहुवचन हो संज्ञा और अंत में स हो तो केवल अपॉस्ट्रॉफी लगा देते हैं। अब देखिए एक वचन में बॉय है, लड़कों, लड़के का यदि मुझे लिखना है, लड़के की किताब, बॉयज बुक, तो मैं बी ओ वाई अपॉस्ट्रॉफी एस और किताब बुक लिख दूंगा। यदि मैं एक वचन के बाद अपॉस्ट्रॉफी लगाता हूं तो लड़के की किताब हो गया। अब बहुवचन के बाद यदि लगाता हूं तो लड़कों की किताब हो गया, तो बहुवचन के बाद यदि मैं लगाता हूं तो फिर एस नहीं लगेगा, केवल अपॉस्ट्रॉफी होगा। बच्चों इस बात को समझ लीजिए, ये अपॉस्ट्रॉफी के बाद एस लगाना कई मामलों में ज़रूरी नहीं है, जैसे खासकर पजेसिव केस बनाते समय मैंने कुछ उदाहरण दिए, दूसरे जो हिसिंग साउंड का, और दूसरा है बहुत सारे बहुवचन जिसमें स से समाप्त होता हो, बहुवचन जिसमें एस से शब्द समाप्त होता हो वहाँ पर भी केवल अपॉस्ट्रॉफी लगाइए। दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड, प्लीज नोट दैट मोस्ट ऑफ द वर्ड विच एंड अप विथ एस, वेदर इन सिंगुलर और प्लूरल, मोस्ट ऑफ द नाउन्स विच आर एंडिंग विथ एस, दे रिक्वायर ओनली अपॉस्ट्रॉफी टू मेक इट पजेसिव एंड नॉट अपॉस्ट्रॉफी एस, एंड नॉट अपॉस्ट्रॉफी एस, राइट। तो यहाँ पे बॉयज स्कूल, गर्ल्स हॉस्टल, हॉर्सेस टेल्स, हॉर्स का बहुवचन क्या है, हॉर्सेस। अब घोड़ों की पूंछ बोलना है, टेल माने पूंछ, तो घोड़ों की पूंछ बोलना है तो हॉर्सेस में फिर अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं लगेगा, केवल अपॉस्ट्रॉफी लगा दिया और टेल माने पूंछ। अगला क्या है, जब संज्ञा बहुवचन हो लेकिन एस ना हो, जब संज्ञा बहुवचन हो लेकिन एस ना हो तो अपॉस्ट्रॉफी लगा दो, जैसे मेन, मेंस क्लब, बहुत सारे आदमियों का क्लब है, चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस बुक, आई हैव प्लेंटी ऑफ चिल्ड्रंस बुक्स, बच्चों के लिए मेरे पास बहुत सारी किताबें, बच्चों की बहुत सी किताबें, बहुवचन में अपॉस्ट्रॉफी एस लगा दीजिए। बड़ा सरल नियम है, या कोई नियम वाली बात नहीं याद करने की। अगला है टाइटल, यदि टाइटल है तो हम क्या करते हैं, यदि टाइटल में अधिक शब्द हों तो अंतिम शब्द में अपॉस्ट्रॉफी एस लगा दो। टाइटल में क्या, कैसी टाइटल के, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, केवल प्रेसिडेंट बोलने से बात नहीं बनती, हम बोलना चाह रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, किंग ऑफ भूटान, क्वीन ऑफ इंग्लैंड, तो यदि किंग ऑफ भूटान्स
विजिट, भूटान के राजा की यात्रा, यदि ऐसा बोलना है तो किंग्स, किंग्स में अपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा, पूरी टाइटल में आखिरी जो शब्द है उसमें लग रहा है। आखिरी शब्द क्या है उसकी टाइटल में? किंग ऑफ भूटान की टाइटल में आखिरी शब्द भूटान, तो किंग ऑफ भूटान्स विजिट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज विजिट, भारत के राष्ट्रपति की यात्रा, राष्ट्रपति में अपोस्ट्रोफी नहीं लग रहा है, किसमें लग रहा है? राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, जिसमें भारत आखिरी में आ रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आखिरी में आ रहा है, तो उसमें अपोस्ट्रोफी एस लगेगा। ये पदवी की बात हुई। अब अगला नियम, दो संज्ञाएं यदि पास पास हों आजू बाजू में एक के बाद एक, राम एंड श्याम, यदि ऐसा आ गया तो क्या करोगे? राम और श्याम यदि ऐसा आ गया तब क्या करेंगे? या दैट इज टैगोर्स हाउस। अब यदि आपने लिखा दैट इज टैगोर्स हाउस तो समझ में आता है ये टैगोर का मकान है, टैगोर अपोस्ट्रोफियस। यदि मैं लिखता हूँ टैगोर द पोएट्स हाउस, एक तो होता है दैट इज टैगोर्स हाउस, ये टैगोर का मकान है, आप पूछते कौन टैगोर यार, किस टैगोर की बात करो, तो मैं और स्पष्ट करूँगा दिस इज टैगोर द पोएट, टैगोर द पोएट, तीन शब्द आ गए, तीन शब्द एक व्यक्ति के लिए उपयोग हुआ है, तो जो आखिरी शब्द है उसमें अपोस्ट्रोफी एस लगा दीजिए, दैट इज टैगोर द पोएट्स हाउस। यानी मैं किस टैगोर की बात कर रहा हूँ? मैराडोना द, यार मेरे घर मैराडोना आया था, मैराडोना जानते हैं कौन है? प्रसिद्ध फुटबॉल प्लेयर। और मैं, मेरे यहाँ नीरज कुमार आया था, कौन नीरज कुमार भाई? तो जेवलिन थ्रो करने वाला, तो मैं क्या बोला? नीरज कुमार द थ्रोवर्स विजिट, नीरज कुमार द जेवलिन थ्रोवर्स, तो थ्रोवर्स में टी एच आर ओ डब्ल्यू ई आर एपोस्ट्रॉफी एस, नीरज कुमार में एस नहीं लगाइएगा, ये बात यहाँ पे आपको बता रहे हैं हम, तो इसी चीज़ को आपको प्रैक्टिस करना है कि जो बाद में आता है संबंध, अंतिम संज्ञा जो आती है नीरज कुमार द थ्रोवर, तो थ्रोवर जो बाद में जो संज्ञा आई, थ्रोवर भी संज्ञा है, नीरज भी संज्ञा है, तो बाद में जो संज्ञा है उसमें अपोस्ट्रोफी एस लगा। और इसके बाद अगला उदाहरण, यदि दो संज्ञाएं बिल्कुल पास पास में हो तो अपोस्ट्रोफी बाद वाले में लगा, राम एंड श्याम्स बुक्स, राम एंड श्याम्स बुक, दो संज्ञाएं आपस में यदि बहुत पास में हो, सीता एंड गीताज बुक्स, सीता और गीता की किताबें, करीम एंड सलीम्स बेकरी, राम एंड श्याम्स बुक्स, तो अपोस्ट्रोफियस किस में लगा? दोनों में नहीं लग रहा है। अपोस्ट्रोफियस किस में लगा? पहले वाले में भी नहीं, पहले नाम में नहीं लग रहा है, पहली संज्ञा में नहीं लग रहा है, तो किस में लग रहा है? दूसरी संज्ञा में, बाद में, राम और श्याम की किताबें, राम की और श्याम की किताब, ऐसा नहीं बोलते कभी, है ना? तो ऐसे अंग्रेजी में भी राम एंड श्याम्स बुक्स आर विथ मी, सलीम एंड करीम्स बेकरी, राइट। नेक्स्ट पजेसिव की बात कर रहा हूं तो वो है, नेक्स्ट है यदि दो नाम है अलग अलग तरीके से जिनका दोनों में एक दूसरे से संबंध नहीं है, तब दोनों में अपोस्ट्रोफी एस लगेगा, तब दोनों में, यदि दोनों अलग अलग उनका कोई संबंध नहीं है तो दोनों में अलग, जैसे राव्स एंड नारायण नॉवेल्स, राव के उपन्यास अलग, नारायण के उपन्यास अलग, तो राव्स अपोस्ट्रोफी एस एंड नारायण नॉवेल्स, राइट। के आर नारायण का नाम सुना है आपने, कौन है के आर नारायणन, और आर के नारायणन कौन है, आप पता करिए के आर नारायणन कौन और आर के नारायण कौन, राइट। अब पजेसिव नाउन कैसे बनाएं ये हमने सीखा, ठीक।